दोस्तों सलार के एक्शन सीक्वेंसेस पर प्रशांत नील का बहुत बड़ा इंटरव्यू सामने आया है। प्रशांत नील कहते हैं, हमने जो एक्शन प्रभास के साथ सलार में शूट किए हैं वो केजीएफ से कहीं गुना खतरनाक है, और इस बार प्रभास अन्ना ने एक्शन के मामले में सारी हदें क्रॉस कर दी है। इस बार जो यूनिवर्स सलार का बन रहा है वो केजीएफ से कहीं गुना बड़ा है, और इस बार हर किसी को सलार पसंद आएगी क्योंकि ये स्टोरी दोस्ती पर बनाई गई है। इसमें देवा और पृथ्वीराज की जो दोस्ती है उसमें काफी टर्न और ट्विस्ट रखे गए हैं, और एक्शन के मामले में सलार साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मूवी होगी। और इस बार बड़े बड़े अभिनेत्री भी बोल चुके हैं कि सलार यूनिवर्स काफी बड़ा है और इसके हर एक सीन में आपको गूस बम्स आएंगे। और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो रवि बसरूर जी ने बनाया है, इसका मतलब तबाही पक्की है। और वही अमेरिका हो या फिर इंडिया, हर कहीं सालार की एडवांस बुकिंग ने बहुत ही खतरनाक जंप ले लिया है, और एडवांस बुकिंग में सालार डंकी से कहीं गुना आगे है। इस बार डंकी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जितना अच्छा रिस्पॉन्स लोग सालार मूवी को दे रहे हैं। लगता है प्रभास अर्ना बॉक्स ऑफिस को तोड़ने आ गए हैं और आधिप पुरुष के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ नहीं। अब नया इतिहास बाहुबली सालार से लिखेंगे, और अब तो नॉर्थ की ऑडियंस भी डंकी को छोड़कर सालार को सपोर्ट कर रही है क्योंकि बुक माई शो पर डंकी से भी ज्यादा इंटरेस्ट सालार का है, और मोस्ट आईएमडीबी रेटिंग में सालार नंबर 1 बन गई है। सालार में प्रभास अन्ना को देवा का रोल दिया गया है, और पृथ्वीराज और प्रभास अन्ना इसमें काफी अच्छे एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उसी के साथ और भी कहीं हमें लीडिंग कास्ट नजर आते हैं। आर्मी के भी काफी शानदार शूट देखने को मिलते हैं, और इसमें जो शूटिंग की गई है एक्शन की, वीएफएक्स की, और जो सिनेमा का एंगल है वो काफी अच्छे से दिखाया गया है। उसी के साथ एक डार्क एक्शन मूवी का एक्सपीरियंस होता है, और ट्रेलर इतना ज्यादा खतरनाक है जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसमें जो कुछ दिखाया गया है वो हर एक सीन हमें खींचता है और हमें गूजबम्स देने के लिए मजबूर करता है। सीन इतने वायलेंस और खून खराबे से भरे हुए हैं जिसको देखकर रूह तक कांप जाती है। अब वो लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे जो आदि पुरुष के बाद प्रभास को फिलोप हीरो बता रहे थे। सलार ने ऐसा धमाका किया है जिसको सुनकर बॉलीवुड की नींदें उड़ गई है। अब डंकी हो या फिर कुछ और, सलार के सामने कोई नहीं टिक सकता। सलार का ट्रेलर हर किसी को पसंद आ गया है, और इस ट्रेलर को काफी ज्यादा ओवरसीज में भी रेस्पॉन्स मिल गया है। आपको कितना पसंद आया सलार का ट्रेलर कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप प्रभास अन्ना के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सलार की सारी अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना। धन्यवाद।